Akanshi. Hi, how are you? Good evening, I'm good. This is Siddhi from AsiaNet. Hi, ji. Firstly, Himanshi, congratulations like on your new song, Galla Boliya. Tell me one thing, like, you know, from Dil Ko Maine Di Kasam to Galla Boliya, you know, you have always created magic on screen, you know, especially with Aseem. What is the secret behind this amazing chemistry? Secret is like people love us और सब हमें प्यार करते हैं, दैट्स वाई उनको सब अच्छा लगता है और हमसे वो केमिस्ट्री अच्छी स्क्रीन पे निकल जाती है। फैंस की तो लव हमेशा होती है, बट यू नो एक बोलते ना, हर रिलेशनशिप में देयर इज दिस वन लकी थिंग जिसके वजह से यू नो वो चीज बहुत आगे जाती है, बिकॉज सब कपल्स जो ऑफलाइन होते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि यू नो सेम मैजिक ऑनलाइन क्रिएट हो, सो व्हाट इज दैट वन लकी थिंग? बिकॉज हम जब मिले थे तो हम ऑन स्क्रीन मिले थे, लोगों के सामने ही मिले थे, सबके सामने, तो वो कम्फर्ट लेवल तब का ही हमारा बना हुआ है, क्योंकि हम वहाँ पे घर की तरह रह रहे थे, तो जब आपका फर्स्ट किसी के साथ मीटिंग में ही इतना कम्फर्ट जोन ओपन हो जाता है, तो फिर वो बाद में फिर नहीं इतना ऑकवर्ड लगता। हिमांशी एक बात बताइए, लाइक ऑन सेट्स यू नो हाउ इज असीम टू वर्क विद एंड हाउ इज ही इन हिज पर्सनल लाइफ? ऑन सेट ही इज वेरी प्रोफेशनल, टाइम पे जाना, काम फिनिश करना और फटाफट, ऐसे नहीं कि रेस्ट ले लेते हैं फिर 2 घंटे बैठे रहो, उनको होता है कि जो 2 घंटे अभी बैठे हैं काम फिनिश करके घर जाएंगे जल्दी जल्दी, बट ऑफ स्क्रीन ही इज वेरी मिस्चीवियस और बहुत ज्यादा नॉटी है। सो मेनी म्यूजिक वीडियोस विद हिम एंड यू नो यू बोथ हैव बीन लाइक इन अ रिलेशनशिप सिंस 2 years, यू नो व्हाट आर द फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट यू रियली लाइक अबाउट हिम एंड फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट यू नो यू थिंक दैट ओके आई थिंक वी बोथ नीड टू रियली वर्क ऑन? ही इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और मुंह पे बोल देनी बात, और बुरी ये है कि कई बार वो बातें बहुत बुरी लग जाती हैं तो फिर मैं गुस्सा हो जाती हूँ, तो बस ये है। तो हिमांशी, यू नो गल्ला बोलिया द सॉन्ग जो आज यू नो लॉन्च हुआ है, इट हैज एक्चुअली रिसीव्ड अ ट्रेमेंडस रिस्पांस लाइक फ्रॉम फैंस ऑनलाइन, सो व्हाट डू यू पर्सनली फील, लाइक डू यू फील दैट आफ्टर असीम हैज एंटर्ड योर लाइफ यू नो द वे यू लुक एट सक्सेस यू नो इज वेरी डिफरेंट वर्सेस व्हाट यू वर व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ योर करियर? हर स्टेज पे एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। यस, आई वाज इन दिस फील्ड और मैं इस चीज को फेस कर रही थी और मैं जी रही थी, या जो मेरे अच्छे गाने आए पहले भी आए। आफ्टर आसिम के बाद हमने कोशिश किया है कि हम इंडिविजुअली भी काम करें, ताकि उनके, क्योंकि क्या होता है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप 2 जन काम कर रहे होते हो तो लोग क्या करते हैं, ये बोलते हैं अच्छा ये तो सिर्फ इसी के साथ चल सकते, ये इसी के साथ चल सकती है, तो हम दोनों ने बहुत सोच समझ के अपना इंडिविजुअली काम ज्यादा स्ट्रांग रखा और हम साथ में तब आए जब हमारे फैंस चाहते थे या हमें लगा कि ये गाना बहुत अच्छा है, तो हमने उस चीज को मेंटेन रखा कि लोग भी हमें देख पाए, हम अच्छे गाना भी कर पाए और इंडिविजुअली भी अपने करियर्स को आगे लेके जा सके, ताकि एक दूसरे का कोई, मतलब कल को हमारे बीच कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम ना आए। You know, there are very few people who are very vocal about everything that they talk about. So, you know, being a celebrity, being on a, you know, public place, you know, when your songs come out, you do get a lot of love from fans. But then how do you deal with, you know, say people who give a negative feedback? Does it affect you and Aseem somewhere, or do you like just be very detached to those things? डिपेंड करता है मूड पे, कई बार बहुत ज्यादा दिल को लग जाती है बात, कई बार हम इग्नोर कर देते हैं बिकॉज इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड, आप फोन साइड पे रखोगे ऑल ऑफ सडन आपको कोई नजर नहीं आएगा, सो इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड, आप फोन साइड पे रख दो आपको किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी, तो जब कोई ऐसी बात बोलते हैं तो फिर खुंदक भी आती है और कहीं ना कहीं वो ही हमें मोटिवेट भी कर रहे होते हैं, अच्छा अब हम आगे ये करके दिखाएंगे, तो कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ अगर नेगेटिव नहीं होगा तो उस चीज की वैल्यू भी नहीं होगी, वो फिर कुछ ज्यादा ही अच्छा हो जाएगा, तो I think it's a good thing कि अगर haters भी आते हैं। Do you really feel that Big Boss as a show is not just about controversies or fights, but we also have good love stories, like you know, touch with that of you and Aseem. So, what do you feel about that?
बिग बॉस ऑल इज साइकोलॉजी का गेम है, क्योंकि जब हमारे इंटरव्यूज होते हैं वो हमारे से बहुत बातें करते हैं, वो उस चीज से आपको जज करते हैं और वो उस तरीके से सोचते हैं आपको अंदर लेके जाएंगे. तो कॉन्ट्रोवर्सी इसीलिए होती है कि वो ये सारा इमोशंस और साइकोलॉजी का है कि अगर आप सिर्फ प्यार 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 वाले डाल दोगे, अच्छे डाल दोगे, अगर एक स्टोरी में हीरो के साथ विलन नहीं होगा तो स्टोरी सुपर हिट नहीं होगी. तो वो क्या है कि आपके साथ सिर्फ कंट्रोवर्सी वाले डाल देंगे कि आपस में लड़ेंगे, लेकिन ये वो भी श्योरिटी नहीं है कि वो लड़ेंगे भी या नहीं. तो आप जब अंदर जा रहे होते हो तो आप बहुत सारी रियल लाइफ की जो भाग दौड़ है उसकी बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारे दिल में दुख, बहुत सारे स्ट्रगल लेके जाते हो. आम जो इंसान जाते हैं अंदर जाके जब आप एक दूसरे से एक्सचेंज करते हो, अच्छा तेरी लाइफ में क्या हुआ, अच्छा तेरी लाइफ में, क्योंकि हमारे पास वहाँ इतना वक्त होता है कि हमारे पास फोन नहीं है और डिस्ट्रैक्ट करने की कोई चीज नहीं है, तो आपको बातें करनी ही पड़ती है. तो जब आप बातें एक्सचेंज करते हैं तो इट्स अ वेरी कॉमन ह्यूमन नेचर कि आप एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट कर ही जाते हैं. What are your future projects? Do you plan to do more music videos with Aseem, or you know, do you want to do more solo videos, or just focus on your singing? What do you kind of want to focus on? नहीं, ऐसा कोई barrier set नहीं किया है. Aseem के साथ अच्छा गाना, हमने दोनों ने अपने इस appearance को थोड़ा सा इस तरीके से रखा है कि हमारे पास जो हमें लगेगा कि बहुत बढ़िया गाना आ रहा है हम वो ही करेंगे. अदरवाइज हम इंडिविजुअली अपनी लाइफ में ऐसे कोई फर्स्ट क्रिएट नहीं किया होगा कि हम आपस में ही कर रहे हैं या हमें किसी और के साथ नहीं करना है. तो हमारे इंडिविजुअली Aseem के बहुत गाने शूट हुए हैं, मेरे हुए हुए हैं और मेरी मूवी शूट हुई हुई है, तो धीरे धीरे चीजें आ रही हैं. तो Manshi, on the work front, in the future, do you plan to kind of do, you know, some Bollywood movies as well? Like, do you have something in mind? I have some limitation personally. मेरे को जो मैंने खुद क्रिएट की है, not by someone else. मुझे जो भी इंटीमेट सीन्स हैं या मैं कोई ऐसा नहीं, उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. अगर कोई ऐसा स्क्रिप्ट होता है, पहली बात हम रीजनल आर्टिस्ट हैं, तो जब हमें अप्रोच किया जाता है तो हमें बहुत कम मेन लीड के लिए किया जाता है. आपको साइड या आपको सेकेंड लीड के लिए ही प्रेफर करते हैं, और उसमें भी हमें कॉन्सेप्ट देखना है या कितने बड़े बैनर के साथ है या कौन से प्लेटफॉर्म के लिए. तो उसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट्स बहुत आते हैं बट एंड अप जहाँ होता है वो कोई ना कोई चीज ऐसी रह जाती है जो आपके उसके हिसाब से मैच नहीं करती है. तो अगर आएगी तो यार डेफिनेटली. आई मीन, व्हाट आर योर प्लान्स, लाइक आपको और Aseem को कब शादी करनी है? I know this is a question you might have got from like multiple people, but बहुत बार. अभी खेलने कूदने की उम्र है आपकी. Okay. मैं इसका सीरियसली एक जवाब यही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बोल दूं आज हम शादी कर रहे हैं हमारे में, क्योंकि दिस इज लाइफ. कल को कुछ भी होता है तो हम किसी चीज के लिए कमिट करे जाएं और वो नहीं होती तो उस चीज के लिए फिर हमें भी बुरा लगेगा. तो टाइम के साथ चीजें होने देनी चाहिए और फिर उसको फैंस भी इंजॉय करें, हम भी करें. और अगर कोई चीज नहीं बन पाती है तो कल को कोई ये नहीं होगा कि हमने फेक प्रॉमिसेस किए या ये है. हर चीज को वक्त लगता है. हम घर के अंदर मिले, हमें एक दूसरे की लाइफ के बारे में आगे पीछे कुछ नहीं पता था. हम बाहर आके टाइम ले रहे हैं, फिर फैमिलीज को जान रहे हैं, करियर्स हैं. इट्स अ वेरी बिग डिसीजन. ये नहीं है कि ओवरनाइट डिसाइड कर लिया, शो पे मिले, चलो शादी कर लेते. नहीं, तो टाइम लगता है. यू नो, यू हैड, यू नो, वेरी क्लोज नेट एंड वेरी क्वालिटी ओरिएंटेड फ्रेंड्स. सो हाउ मच डू यू मिस सिद्धार्थ एंड हाउ मच सपोर्ट यू नो यू वुड लव टू शो टू शहनाज एंड टू देयर फैंस? लाइक व्हाट इज दैट वन मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू देम एज वेल? हम बिग बॉस में बहुत अच्छी मेमोरीज थी, अच्छी बुरी लड़ाइयाँ झगड़े, लेकिन हम वहाँ पे उसको सिर्फ एक शो के परस्पेक्टिव से ही ले रहे थे. कुछ ऐसा कुछ पर्सनल नहीं था. लोगों ने हमें पसंद किया जैसे एक स्क्रीन पे मूवी चल रही हो. तो हम बाहर आए, वो अपनी लाइफ में मसरूफ हो गए और हम अपनी लाइफ में आ गए. तो हमने कभी एक दूसरे को, कभी हमारी तरफ से कोशिश नहीं हुई, कभी उधर से नहीं हुई, लेकिन हमने कभी भी बैड वाइब्स एक दूसरे को नहीं दी है. तो कभी सामना ही नहीं हुआ, लेकिन जब न्यूज ऑल ऑफ सडन कुछ हमारे सामने आई तब हम सारे कनेक्ट हुए. और फिर जिनकी बातचीत आपस में नहीं भी हो रही थी वो एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे थे और अब हमारी बात होती है. पारस से मेरी बात होती है, मायरा से होती है और उससे होती है जिनसे मैं कनेक्ट कर पाती हूँ. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.